देखें ऑलरेडी अगर आप जो मैं पहले बात कर रहा था कि लोकलाइजेशन से ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल आप हमारा ए सी है अगर उसकी कीमत से एक लाख दस हजार कीमत है इन्वर्टर की 1,10,000 अगर ये लोकलाइज ना होता तो इसकी कीमत कम से कम 30,000 हो गए। इंडस्ट्री जो है रिपोर्ट तो बंद हो गई है और आप ऐसे सीबी उसको आदमी को ऑब्वियसली बोल रहा है जो रॉ मटीरियल है उसको 50% कोटा लगे हमारी को, लेकिन अगर ये ना होता लोकलाइज तो यही प्रोडक्ट 1,35,000 का पड़ता। क्वांटिटी की बात अलग है, कीमत में जो बचत है वो लोकलाइजेशन से वजह से होती है, वरना 220 रुपए का डॉलर है आज, ठीक है ना। उस हिसाब से अगर आप कीमत बढ़ाएंगे तो ये एसी अगर और हमारे एसी के ऊपर अगर 30-40% ड्यूटी है 40% से टैक्स समेत, तो इम्पोर्टेड चीज को जब आप उसकी कैलकुलेशन करते हैं तो वही चीज जो हम 1,10,000 की अभी बेच रहे हैं अगर हम लोकलाइज ना करें तो 1,35,000 में भी देखेंगे रास्ता है। 25,000 का ऑलमोस्ट 20% का बेनिफिट तो कंज्यूमर का है। अब फर्दर कैसे होगा, इट नीड्स मोर लोकलाइजेशन और मोर स्मार्टर लोकलाइजेशन, बिकॉज आई थिंक हमने एक लेसन लर्न कर रहे हैं वो ये है कि हम उस इंडस्ट्री पे इन्वेस्ट ना करें जिससे बचत नहीं है, उसमें पैसा लगाने की सरमाया लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और ये जो बातें हैं वो बहुत ही ज्यादा दौर स्पेशलाइजेशन का, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेडिसिन पढ़ सकते हैं तो आप मेडिसिन पढ़ें, आपसे इंजीनियरिंग का काम क्यों करें। पाकिस्तान में एक ऐसी कंट्री है जो कि हैज लो स्किल्स, हम बहुत सारी चीजें नहीं अच्छी बना सकते, जो चीज हम अच्छी बना सकते हैं वो तो बनाए, उन चीजों को क्यों बनाए जो कि हम ज्यादा महंगी बनाएंगे या हमारा जो प्रोडक्ट है इंजीनियरिंग ज्यादा लाइट इंजीनियरिंग का प्रोडक्ट है उसमें हमने उन चीजों को लोकलाइज किया है जहां पे कॉस्ट की बचत हो, अदरवाइज उससे लोकलाइज करने का कोई फायदा नहीं। तो अब जो बैरियर टू एंट्री है ना, आपकी भी सवाल का मैं जवाब करूँ, नेक्स्ट स्टेज क्या है, नेक्स्ट स्टेज के लिए जरूरी है कि लार्ज हैवी इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगे, अगर स्टील मिल अगर कोल्ड जो शीटें हैं कोल्ड रोल्ड या हॉट रोल्ड दो तरह की शीटें होती हैं, जो बारीक शीटें होती हैं ना वो कोल्ड उनको बोलते हैं कोल्ड रोल्ड, जो कि आप समझ देखते हैं कि वो जरा बहुत ही बारीक होती है, जो मोटी प्लेटें होती हैं वो हॉट रोल्ड होती है, दो तरह के स्टील मिल का पाकिस्तान में लगना जरूरी है। और मैं बहुत सारे फोरम्स पे ये बात कर सकता हूँ कि पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल तरक्की में छोटी इंडस्ट्रीज कभी चल सकती हैं जब आपके पास और हैवी इंडस्ट्री हो, और वो हैवी इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर में, बट गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट ना होगी, मैंने वो तो आपको पता है कि वो तो ये ही होगा, वो तो अनदर पाकिस्तान की या पी आई जो भी है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम अपने दोस्त ममालिक से खासतौर पर चाइना से या अमरीका से ये बार बार हमें रिक्वेस्ट करें कि अगर हमने पाकिस्तान को कोई रियल मौका देना है तो दैट शुड बी फॉर हैवी इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट, एंड आई थिंक दीज टू प्रोडक्ट्स अ बिग स्टील दैट विल बी एन इन्वेस्टमेंट अबाउट $5 billion How you compete with the competitors? What is the USP of B? That is the quality of the product. That is the quality of the product. Any specific component which you are using and other companies are not using? Our total component specification is far superior. From higher, from dollar? Because if you look at it, you will see the components in the components. So it is very superior in engineering. Because the cooling is
एसी तो ठंडा करने का, एसी अगर सर्दियों में ठंडा कर रहा है तो क्या फायदा? पता चला कि बाहर टेम्परेचर जब 15 डिग्री है तो एसी में ठंडा भी आपका, और जब टेम्परेचर 45 डिग्री है तो इट्स लाइक अ बॉइलिंग इंजन. सो टेस्ट ऑफ द पुडिंग कम्स इन द दैट थिंग. सो द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज आई थिंक इज अ वेरी हाई एंड प्रोडक्ट. It is at least 20-25% superior in quality to any other competition in terms of its performance. Life, those are Jesus' key life. जब पहली दफा आप इस्तेमाल करें पता चला पहला साल तो नई दुल्हन वाली बात ना हो जाएगी, मतलब पहले साल तो बड़े बड़ी वेरी हैप्पी विद द वाइफ एंड उसके बाद फिर वो बंदा कहता है यार ये मैं किधर फंस गया.